अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। तो देख सकते हैं मेरे पास रोड कंपनी का माइक आ गया, सबसे बेहतर वाला माइक जो काफ़ी महंगा आता है। इंडियन प्राइस के हिसाब से 32 से 35 हज़ार तक के आता है। और इसको मैंने कहां से परचेज किया है, कितने में परचेज किया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये किस तरह से कनेक्ट होता है मोबाइल में, ये भी आपको बताने वाला हूं। किस तरह से आप इसे आईफोन के साथ या एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या कैमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी बेहतर क्वालिटी है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। जो मेन बॉक्स है बाहर का वो गायब हो चुका है, क्योंकि जिस टाइम आया था उसी टाइम सब फाड़ चीड़ कर ओपन करके फेंक दिया, वो कहां गया पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल थोड़ा किया हूं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं किस तरह से ये कनेक्ट होता है, किस तरह से ये दिखता है। और ये अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का ख्याल रखें, कहां से लेना है, कैसे लेना है, ये मेडन कहां का है, किस तरह से आपको लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इनका अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं। इसके साथ क्या क्या मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और मोबाइल में चलाने के लिए इसको अलग से एक चीज खरीदना पड़ता है, तभी आप इसका इस्तेमाल मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका रेंज कितना है, यानी आप कितना दूर रहकर इसका रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी इस माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी आवाज़ बहुत बेहतर देगा, तो ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लिप लगा हुआ है। उसके बाद बगल से कुछ निकालते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक में लगाने वाला, यानी ऊपर से लगाने वाला है, ताकि आप बाहर शूट कर रहे हैं अगर माइक का इस्तेमाल करते हैं तो ये लगा लें, ताकि जो नॉइस होता है और हवा का सनसनाहट गड़गड़ाहट ये चीज़ आपको सुनाई नहीं देगा, इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा अगर आप ये लगा लेते हैं। तो ये निकालते हैं, उसके बाद और भी लग रहा है, तो यहाँ पे एक और है, और तीन था, एक किधर गया है, तो एक गायब हो चुका है। तो उसके बाद इधर देखते हैं, इधर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं रोड लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें खाने वाला है या पीने वाला है पता नहीं, ये हर प्रोडक्ट के साथ आता है तो इसे हम साइड में रखते हैं। उसके बाद इधर है एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर एक, ये देख सकते हैं ये तीन देता है, तो ये तीन सेट वाला है, दो माइक है, एक रिसीवर है। उसके बाद यहाँ से इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर से हम थोड़ा यहाँ से इधर से करते हैं, और इधर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर ये दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का ये है और किस तरह से ये ओपन होगा, ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो यहां से हम इसे निकालते हैं, निकालने के लिए यहीं से आप दबाएंगे तो यहां पे ये निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा है, दूसरा भी इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद तीसरा है, तीसरा ये रिसीवर लग रहा है, तो इसे हम वापस निकालते हैं। उसके बाद इसे हम रख देते हैं साइड में। उसके बाद अभी इसे ओपन करेंगे, उससे पहले और भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रेम पत्र और कुछ लव लेटर दिया गया है, इसे हम निकालते हैं। और इसमें और भी कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं। और यहाँ पे निकालने के बाद यहाँ पे कुछ इसका कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है, किस तरह से आपको कनेक्ट करना है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरा डिटेल्स दिया गया है। और यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ बात करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ये भी दिया गया है। उसके बाद और भी चीज़ दिया गया है, कैमरा में किस तरह से इस्तेमाल करना है, मोबाइल में किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सारा डिटेल्स दिया गया है। और लैपटॉप में किस तरह से इस्तेमाल करना है, एंड्रॉयड में किस तरह से इस्तेमाल करना है, और आईफोन में किस तरह से इस्तेमाल करना है, सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सारा प्रेम पत्र, और चाइनीज में भी दिया गया है, उसके बाद इंग्लिश में दिया गया है। उसके बाद इसे हम प्रेम पत्र को वापस रख देते हैं अपने साइड में। उसके बाद यहाँ पे एक और भी चीज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वायर है जो रोड कंपनी का ही है, और ये माइक के साथ आया है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड लिखा हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप मोबाइल के साथ नहीं कर सकते हैं, काम नहीं करेगा, ये सिर्फ कैमरा में इस्तेमाल होता है। जो लोग भी DSLR लेते हैं और बाहर रिकॉर्ड करते हैं तो इस माइक के साथ कैमरा में लगाने के लिए ये दिया गया है, आप इसका इस्तेमाल कैमरा के साथ कर सकते हैं। मोबाइल में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो मोबाइल में इस्तेमाल करने के लिए मैंने ये अलग से मंगवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी महंगा आता है, ये 65 रियाल का ये दिया, उसके बाद डिलीवरी चार्ज लगा, शिपिंग चार्ज लगा, तो ये कम से कम 75 रियाल का मुझे पड़ गया, 75 या 80 रियाल के करीब मुझे पड़ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी रोड कंपनी का होना चाहिए, अगर आप मोबाइल में इसका इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल में इसे लगाएंगे
तो दूसरा अगर वायर लेंगे, लोकल लेंगे सस्ता वाला, तो ये काम नहीं करेगा। ओरिजिनल आपको लेना होगा रोड कंपनी का। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर माइक आपको मोबाइल में इस्तेमाल करना है तो कुछ इस तरह का दिखता है। एक साइड में ये दो लाइन बना हुआ है काला वाला, और इसमें तीन लाइन बना हुआ है काला वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये दिखता है। उसके बाद चलिए इसे हम साइड में रखते हैं, और ये आपको पता होगा काफ़ी महंगा आता है, चालू कंपनी का लेंगे तो काम नहीं करेगा। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इस माइक को। उसके बाद हम माइक को ओपन करते हैं। माइक को ओपन करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे ओपन करके रखना होगा, यानी दबा के रखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो लिखा हुआ है, कट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसे दबा कर रखेंगे तो ये ओपन हो सकता है। हाँ, हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है, ये रिसीवर है, और यहाँ पे जो कनेक्टिंग है यहाँ पे दो लिखा हुआ है, लेकिन अभी एक भी कनेक्ट नहीं है, तो इसे हम रखते हैं। उसके बाद इसे भी ऑन करते हैं। इसको भी ऑन करने के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे दबाना होगा, यहाँ पे दबा के रखना है थोड़ा देर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट स्टार्ट हो चुका है, लाइट यहाँ पे जल रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा कि ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है। अगर बोलेंगे तो यहाँ पे ये इसमें कनेक्ट हो चुका है एक, और उसके बाद दूसरा कनेक्ट करना है, तो इसे भी ओपन करते हैं। तो इसे भी ओपन करने के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे दबा के रखना है। इस साइड में नीचे एक बटन है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइट जलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो दो लाइन बनकर आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लाइन। अगर बोलना बंद कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाता है, फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे इसको ओपन करके, जब भी इसको चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। उसके बाद आपको करना क्या होगा, अगर आपको मोबाइल में इसे कनेक्ट करना है रिकॉर्ड करने के लिए, तो इस पिन को डायरेक्ट आपको यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे एक छेद है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे काला वाला को यहाँ पे लगाना है। उसके बाद इसे मोबाइल में लगाना है, जहाँ पे एयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, एयरफोन जहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे उसे लगा देना है। उसके बाद ये मोबाइल के साथ रहेगा, उसके बाद आप इसे जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। अगर दो आदमी है तो दो आदमी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे को यहाँ पे कलर पे लगा सकते हैं इसे। अगर नहीं है तो आप दो या एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एक को बंद करना चाहते हैं तो। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे बंद करने का, यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं आवाज़ को, उसके बाद एक को बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दबाकर आप म्यूट भी कर सकते हैं, एक को बंद कर सकते हैं, एक को चालू कर सकते हैं, या इसे आप हटा देंगे तो एक ही से आपका काम होगा, आवाज़ रिकॉर्ड होगा आपके मोबाइल में। तो ये बहुत अच्छा है, और ये बहुत महंगा है, 1219 रियाल का मैंने सऊदी अरब से लिया है। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन से इसे खरीदा गया है। और उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं केबल चार्ज करने के लिए, और आईफोन में कनेक्ट करने के लिए ये अलग आता है, वो भी आपको ओरिजिनल लेना पड़ेगा, तभी एंड्रॉयड मोबाइल में और आईफोन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एंड्रॉयड मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए मैंने मंगवाया है। उसके बाद इसका चार्ज कितने टाइम तक चलेगा, कितने देर तक चलेगा, तो यहाँ पे बताया गया है 7 घंटे तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लगातार रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद अगर आप 200 मीटर दूर जाकर सीधा कैमरा के सामने या मोबाइल के सामने में घूमकर बात करते हैं तो ये रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये ज़्यादा लंबा हो गया है, यानी 100-150 मीटर तक आप बात कर सकते हैं, यानी दूर खड़ा होकर रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो ये रिकॉर्ड करेगा, ये वायरलेस है। तो फाइनली आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं इसी से रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आप ही कमेंट करके जरूर बताएं इससे पहले जो आवाज़ था वो सही है या ये सही है। मेरे हिसाब से दोनों बेहतर होगा, क्योंकि बोया का भी माइक का जो साउंड क्वालिटी है वो सही है, लेकिन उसमें वायर होता है और ये बिना वायर का है। जो लोग भी बाहर में घूम फिर कर वीडियो बनाते हैं, प्रैंक करते हैं या और भी फनी वीडियो बनाते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट माइक है ये है। इसे भी बेस्ट आया है DJI का, लेकिन ये भी बहुत कमाल का है जो भी प्रैंकस्टर यूज करते हैं, क्योंकि काफी दूर तक इसका साउंड क्वालिटी अच्छा कैच करता है, अच्छा रिकॉर्ड करता है। अगर आप भी ये माइक लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो ना लें, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो अच्छा कैमरा खरीदे या मोबाइल खरीदे जिसका कैमरा अच्छा हो, उसके बाद आप कोई माइक भी यूज कर सकते हैं जो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके पास हर चीज़ है और माइक की कमी है तो आप ये माइक ले सकते हैं, जो बाहर शूट करने के लिए बहुत कमाल का है, बहुत बेस्ट है।